अच्छा जी, आज का जो चैप्टर सेक्शन हमने स्टार्ट करना है वो मैप्स का सेक्शन है। आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, मैप्स का सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, होपफुली ये एक दो दिन में ख़त्म कर लेंगे। सो इसमें जो पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वो मैप्स एंड देयर टाइप्स है, और इसमें हमने बेसिकली इसमें हम मैप्स को डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्केल और अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो मैप्स एंड देयर टाइप्स में सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं, मतलब डिफाइन कर लेते हैं, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फोटोग्राफ, डायग्राम एंड अ मैप। सो अ पिक्चर व्हिच इज़ मेड यूजिंग अ कैमरा और इमेजिंग डिवाइस, ठीक है, जो उसमें अब आमतौर पे लाइट सेंसिटिव जो है वो इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कैमरा है, इन विच एन इमेज इज फोकस्ड ऑन टू द लाइट सेंसिटिव मटीरियल, वो फिल्म भी हो सकती है और आजकल डिजिटल फोटोग्राफी में वो सेंसर भी हो सकता है, एंड देन मेड विजिबल परमानेंट एंड परमानेंट बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि जो पहली फिल्म्स होती थी उसके ऊपर तो केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो इमेज क्रिएट होता था, और आजकल जो है वो डिजिटली स्टोर होता है। जैसे कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये डिजिटल कैमरे की पिक्चर है, तो इसको हम डिजिटली स्टोर कहेंगे कि इसमें सेंसर जो है वो डिजिटल इस्तेमाल हुआ है, लाइट सेंसिटिव सेंसर था और उसने जो है वो इस इमेज को कैप्चर किया, इसको हम फोटोग्राफ का नाम देते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ्स में सैटेलाइट पिक्चर्स भी हम देखते हैं, गूगल अर्थ भी देखते हैं, वो भी कैमरा के थ्रू कैप्चर्ड इमेजेस हैं जिनको फोटोग्राफ कहते हैं। उसके कंपैरिजन में, फोटोग्राफ के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है डायग्राम। सो इट इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड ड्राइंग शोइंग द अपेरेंस, स्ट्रक्चर, वर्किंग्स ऑफ समथिंग और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये बेसिकली सब मेरीन फीचर्स, यानी कि जो समंदर के फर्श पे फीचर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको शो कर रहा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइंग, इट इज़ काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन जो कि आमतौर पे मैनुअली भी की जाती है, और आजकल डिजिटल ड्राइंग्स भी हैं, जैसे आप पेंट पे कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स पे भी की जा सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को शो करती हैं। और इसमें जो पर्सपेक्टिव है, यानी जिस एंगल से ये चीज़ दिखाई जा रही है, वो इंटरनल भी हो सकता है, वो साइड व्यू भी हो सकता है, टॉप व्यू भी हो सकता है, एंड डायग्राम्स आर नॉट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सम स्केल, दे कुड बी इमेजिनरी एज वेल, कि ये रियलिटी को शायद शो ना कर रहा हो, सिर्फ इमेजिनरी एक सीक्वेंस में जो है वो ड्राइंग कर दी गई हुई है। उसके कंपैरिजन में अगर हम मैप को देखें तो मैप को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान का मैप है। मैप हमेशा जो है वो एक वर्टिकल पर्सपेक्टिव देगा, कि ऐसी ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करेगा जैसे आप किसी जगह को टॉप से देख रहे हैं, अबव द ग्राउंड आप मौजूद हैं और इसको वर्टिकली नीचे की तरफ देख रहे हैं सरफेस को। सो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ मैप को, या जो असेंशियल्स ऑफ मैप होते हैं कि उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें हमें यहाँ पे एक तो ये टाइटल ऑफ द मैप नज़र आ रहा है, और टाइटल ऑफ मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने मेंशन किया है सॉयल टाइप्स ऑफ पाकिस्तान। सो टाइटल ऑफ मैप आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक तो एरिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये पाकिस्तान का मैप है, और दूसरा ये आपको पर्पज़ ऑफ द मैप बता रहा है कि यहाँ पे सॉइल टाइप्स जो है वो शो की गई है। नाउ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जैसे टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर सेटेलाइट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान देखें तो वो उसमें तो ओरिजिनली जैसा व्यू होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ कलर्स नज़र आ रही है, इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है थ्रू सिम्बल्स, जैसे आप यहाँ पे परमानेंट स्नो का एक सिंबल देख रहे हैं पर्पल से कलर में, डेजर्ट सॉयल है, लोमी सॉयल्स हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। सो मैप ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सिम्बल्स। उसके साथ साथ फिर आप यहाँ पे एक और कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी नज़र आ रही है, एक कंपस रोज नज़र आ रहा है जिसमें चार मेजर डायरेक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है, ताकि आपको पता लगे कि जी नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट जो है वो राइट साइड पे है। तो ईस्टर्न बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन से होंगे, वेस्टर्न बॉर्डर के कंट्रीज़ कौन से होंगे, साउथ की तरफ पाकिस्तान में क्या है। और जहाँ से भी आपने किसी भी एक जगह को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस दोआब को बेस बना लेते हैं, तो इसके मशरक़ में कौन से इलाके हैं, इसके शुमाल में कौन से इलाके हैं, वेस्ट में और साउथ में कौन से एरियाज हैं, वो इसी कंपास रोज से ही डिटरमिन होने होते हैं। कि डायरेक्शन के बगैर जो है वो मैप मिसलीडिंग होगा, ठीक है। और फर्दर आप यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये किलोमीटर्स मेंशन है और इधर उसने एक स्केल दिया हुआ है, ये मैप स्केल है, ये भी एसेंशियल्स ऑफ मैप में कंसिडर होता है और डेफिनेशन का भी पार्ट है। इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी कि जो ग्राउंड डिस्टेंसेज हैं दीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन दिस मैप, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है जी, सो लाइक इस पॉइंट सी से पॉइंट ए के दरम्यान मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, और अब इस लाइन को अगर मैं कैरी करूँ, यानी इस डिस्टेंस को मैं मेजर करना चाहता हूँ कि ये इन रियलिटी ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, तो इस लाइन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इसी लेंथ को, तो उससे हमें किलोमीटर्स का अंदाज़ा हो सकता है कि ग्राउंड पे कितने किलोमीटर्स इनका दरमियानी फासला बन रहा है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्केल है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, के इसके ऊपर जो इमेज है उसके ऊपर कितना डिस्टेंस आ रहा है वो लाजमन सेंटीमीटर्स में होगा या इंचेस में होगा, जो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं, लेकिन इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द लार्जर ग्राउंड डिस्टेंसेस। कि जैसे आप कह लें कि जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो वो स्टेटमेंट एज सच मीनिंगलेस है एज ए जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर का 1 लाखवां हिस्सा होता है। लेकिन मैप के ऊपर उसकी सेंस ये बनेगी, इफ़ यू आर सेइंग कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, उसका मतलब होगा कि पेपर के ऊपर अगर आप 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो वो नक्शे के ऊपर 1 किलोमीटर फासले के बराबर होगा। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ फॉलो की है वो सिर्फ इतनी अभी है कि मैप की डेफिनेशन है कि इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ये पूरा अगर वर्ल्ड मैप होता तो ये अर्थ की रिप्रेजेंटेशन होती, और पार्ट ऑफ इट यहाँ पे हमें पाकिस्तान का मैप नज़र आ रहा है, सो इट इज़ पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। सो स्केल होना जो है वो ज़रूरी है, वो एसेंशियल कंपोनेंट्स में मैप के कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे अब वन बाय वन हम अगर एसेंशियल्स ऑफ मैप या कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो एसेंशियल देखा हमने वो टाइटल ऑफ मैप था। जैसे प्रीवियस मैप में आपने देखा कि वो था सॉइल टाइप्स ऑफ पाकिस्तान, तो टाइटल आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वो किस एरिया का मैप है पाकिस्तान से रिप्रेजेंट हुआ, और उसका पर्पस क्या है मैप का, यानी वो कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, आइदर वो आपको आपके लिए रेलेवेंट मैप है भी या नहीं है। तो टाइटल जैसे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आमतौर पे सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट परचेज करते हैं, तो उसमें आपको जो है वो पॉलिटिकल स्टेट्स और उनके कैपिटल्स नज़र आएंगे, ठीक है। बट इट विल बी अ वर्ल्ड मैप कि ये सारी दुनिया के कंट्रीज को दिखा रहा होगा। फिर स्केल है, डायरेक्शन है, की और रेफरेंस इंडेक्स इसका कंपोनेंट है, सिंबल्स हैं और मैप प्रोजेक्शन है। सो यहाँ से अगर हम एसेंशियल्स ऑफ मैप को वन बाय वन आइडेंटिफाई कर लें, तो टाइटल ऑफ मैप, जैसे अब यहाँ पे एक चाइना का मैप है लेकिन मेंशन्ड है चाइना एज अ प्राइमरी टाइटल कि किस एरिया का मैप है, और दूसरा आपको नज़र आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि ये मैप जो है ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये पॉपुलेशन डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना में और कहाँ पे कम है। इस की के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कलर का क्या मतलब है। अगर ये की यहाँ से इरेज कर दी जाए तो फिर इन कलर्स का कोई मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लमेटिक होगा, मुश्किल होगा। सो की ऑफ द मैप इज़ द एक्चुअली की टू द मैप, कि इसके बगैर जो है वो आप मैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी स्केल। टाइटल के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो मैप का स्केल है। सो मैप के स्केल को हम डिफाइन करते हैं रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यूएसए को जूम आउट करके दिखाया गया बहुत छोटे से बॉक्स के अंदर,
और इधर वर्बल स्केल उसने मेंशन किया जी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 940 किलोमीटर, कि इस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर फासला जो होगा वो 940 किलोमीटर जमीनी फासले के बराबर शो कर रहा है। अब थोड़ा सा आपने जूम इन किया यूएसए को, आप सिर्फ आप देख रहे हैं ये जॉर्ज, ये इधर से फ्लोरिडा वगैरह नज़र आ रहा है और गल्फ ऑफ मैक्सिको नज़र आ रही है, अटलांटा स्टेट भी में इस पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है साथ। तो इधर आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर आप थोड़ा सा लार्ज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो बॉक्स साइज वही है लेकिन मैप थोड़ा सा लार्ज हुआ, थोड़ी सी डिटेल और ज़्यादा नज़र आना शुरू होगी, लेकिन एरिया जो पहले इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा था वो अब कम दिखाया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 370 किलोमीटर दिखाए जा रहे हैं जमीनी फासले के, और अगर हम इनको रेशियोज में देखें तो ये मैप जो है अपनी ओरिजिनल जो यूएसए की जो टेरिटरी है ओरिजिनल ऑन द ग्राउंड उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो वो आपको ये नज़र आएगा कि ये मैप ओरिजिनल जगह से यानी ओरिजिनल यूएसए से 94 मिलियन टाइम्स स्मॉलर इमेज में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर का मतलब यह है कि 370 × 1 लाख सेंटीमीटर क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं तो वो आ जाएगा 37 मिलियन सेंटीमीटर इन 1 सेंटीमीटर विच आर बीइंग शोन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यूएसए के ओरिजिनल लैंड से 37 मिलियन टाइम्स छोटा इमेज ड्रॉ हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं आपने मजीद जूम इन किया अटलांटा के अंदर ही 1 सेंटीमीटर में 160 किलोमीटर शो हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी एक स्टेट के अंदर तक की स्टेट जो आपको डिटेल नज़र आ रही है यू आर जूमिंग इन फर्दर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 13 किलोमीटर फासला दिखाया जा रहा है। सो जैसे हम लोग पटवारियों के पास नक्शे देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ के नक्शे देखते हैं, या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, आपने दरवाज़ों की विड्थ भी दिखानी है, आपने विंडोज़ भी दिखानी है, आपने स्टेयरकेस की विड्थ भी दिखानी है। सो इट विल रिक्वायर लार्जर स्केल, लार्जर स्केल का मतलब है कि ज़्यादा जूम्ड इन वर्जन चाहिए, कि एक बड़ी शीट के ऊपर एक बड़े पेज के ऊपर एक ही बिल्डिंग जो है वो डिटेल से दिखाई जा रही हो। तो उस तरह के मैप में आपको देखेंगे कि ग्राउंड डिस्टेंसेज जो होंगे वो ऐसे यूनिट्स में होंगे जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर या 1 इंच इज इक्वल टू 10 फीट, इस तरह के स्केल्स यूज किए गए होंगे कि 1 इंच फासले में 10 फुट दिखाएंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल ज़्यादा होगी लेकिन एरिया कवरेज जो है वो कम होगी। सो स्केल की डेफिनेशन के बाद आए थे डायरेक्शन, जो जैसे पहले आपने वो मैप पे देखा था कंपस रोज बना हुआ था, इसमें 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर सेकेंडरी डायरेक्शंस होती हैं जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है। सो ये आपके सामने इसके फर्दर डिवीजन्स हैं एंड दे कुड बी फर्दर डिवाइडेड। यहाँ पे अगर इन बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट ईस्ट होगा, अगर इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा, एनी प्लस एन 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 ई, ठीक है। तो ये इट कैन बी डिवाइडेड अप टू 64 पार्ट्स, लेकिन आमतौर पे जनरली हम लोगों को जैसे हम कहते हैं रीजनलाइजेशन में ये साउथ ईस्ट एशिया, तो एशिया को सेंटर पे अगर ये क्रॉस लगा दिया जाए तो ये जो कॉर्नर आएगा वो बिल्कुल एशिया के उसी तरफ आएगा। ये मैं आपको मैप के ऊपर भी शो करता हूँ कि हम किस तरह से रीजन्स को है डायरेक्शन वाइज जो है वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो कम विदाउट डायरेक्शन मैप मिसलीडिंग होगा कि आपको नहीं पता कि आपके इलाके के मगरब में क्या है और नक्शे पे क्या शो हो रहा है, मगरब शुमाल में क्या और क्या शो हो रहा है, ठीक है जी। डायरेक्शन के बाद आए थे की, जैसे आपको मैप में पहले की दिखाई है तो यहाँ पे आपको की का मतलब यही है कि दीज आर द सिंबल्स विच कुड बी यूज्ड ऑन एनी मैप, सिटीज हैं, लेक्स हैं, फिर वो मुख्तलिफ हाईवेज हैं, पाइपलाइंस के सिंबल्स हैं, लेकिन उनके मीनिंग एक जगह पे एक बॉक्स के अंदर दे दिए जाते हैं कि उसमें टेक्स्ट जो है वो रिपीट ना हो, बार बार ना लिखा जाए कि ये मोटरवे है या ये मेजर रिवर है, एक जगह के ऊपर सिंबल का जो मीनिंग है वो जहाँ पे मेंशन होता है जिस ब्लॉक में मैप के साथ उसके मार्जिन्स पे, उसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, उसको हम रेफरेंस भी कहते हैं, उसको की भी कहा जाता है, ठीक है। दैट गिव्स मीनिंग टू द मैप, के आप जब भी कोई मैप पढ़ रहे हो तो आपको उसकी की से
डिटरमिन होगा कि किस चीज का क्या मतलब है, किस कलर का क्या मतलब है, कौन सा सिंबल किस चीज को शो कर रहा है। सो इंडिविजुअली अगर हम बात करें, अब ये जो सिंबल्स हैं ये वेदर मैप्स के सिंबल्स हैं, वेदर मैप्स आपको मैंने डिटेल में करवाने हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइक्लोन का सिंबल है। आमतौर पर ये जो सिंबल्स हैं ये एक कन्वेंशन को फॉलो करते हुए यूज किए जाते हैं, यानी कि दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सम अथॉरिटीज। जैसे ये जो वेदर मैप के सिंबल्स हैं ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कंसल्टेशन के साथ जारी किए जाते हैं ताकि सारे कंट्रीज एक तरह के सिंबल्स यूज करें। जैसे आप लोगों ने एयर मासिस पढ़े थे, एटमॉस्फेयर के चैप्टर्स थे, तो उसमें कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल पोलर, CTCP, ये सिंबल्स उसी तरह से यूज हो रहे हैं। यहाँ पर ये फॉग का सिंबल है, यहाँ पर रेन का ये डॉट का सिंबल है, कॉमा जो है वो ड्रिजल को शो कर रहा है। ठीक है, तो दीज सिंबल्स give meaning, these actually symbols are utilizing minimum space and giving you the maximum information on the map. ठीक है, तो map जो है वो jumble up नहीं होता। यहाँ पे आपको कई तरह के symbols नजर आ रहे हैं, कहीं पे ये dots की सूरत में है, point symbols हो सकते हैं, कहीं पे ये linear symbols हो सकते हैं, जैसे ये fronts की types जो है वो line symbols के through हैं, और कहीं पे ये shades की सूरत में भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली सॉइल टाइप्स में या इधर देखा, तो इधर शेड्स को एज सिंबल यूज़ किया जा रहा है चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए, कि बड़े बड़े एरिया को जो है वो सेम शेड जो है असाइन किया गया है। ठीक है जी, तो द सिंबल्स कुड बी पॉइंट सिंबल्स, डॉट्स की सूरत में हो सकते हैं बट हैविंग डिफरेंट शेप्स, दीज कुड बी लाइन सिंबल्स एंड दीज कुड बी शेड सिंबल्स, एरिया सिंबल्स भी कहा जाता है इनको, ये इनकी कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पे ही आपको लाइन सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एरिया सिंबल आपने चाइना के मैप में देख लिया। लास्ट कंपोनेंट इसमें है जो वो मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। आमतौर पे जितने भी आपको मैप्स मिलेंगे उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को बेसिकली ग्लोब से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड दीज आर एक्चुअली द एंगुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम इक्वेटर एज कम्पेयर टू द मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स विच आर determined from this prime meridian, ये जो 0 degree आती है ये ग्रीनविच से गुजरती हुई आती है और इसे राइट और लेफ्ट यानी ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो डिग्रीज हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लॉन्गिट्यूड्स को या मेरिडियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। सो ये एक पूरा फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है मैप के, कि मैप ड्रॉ करने से पहले लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का ड्रॉ होना ज़रूरी है, उसके मुताबिक कि जहाँ पर ये लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके मुताबिक ही ये यूरोप का नक्शा जो है वो फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे ट्रांसफर हो सकेगा। सो इनको हम लाइंस ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। मैप प्रोजेक्शन बेसिकली कहा जाता है द ग्रिड और द ग्रैटिक्यूल और द नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स व्हिच मेक्स द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग अ मैप। ठीक है जी, लार्ज के बड़े एरिया के मैप्स के ऊपर आमतौर पर ये नजर आएंगे, छोटे एरियाज के ऊपर इनकी खास जरूरत नहीं होती। According to scale or according to purpose maps की classification है, types of maps है, और अगर आप past papers देखें तो उसमें कई जगह इतना कम question का भी answer है कि उसने सिर्फ आपसे ये पूछा होगा कि define map, और define करेंगे तो थोड़ा सा आप essentials के ऊपर एक single line reference for each essential उसको दे सकते हैं, और फिर उसने सिर्फ according to scale maps पूछे हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्केल में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये 4 इमेजेस थे और इसमें हमने देखा कि ये 2 जो थे ये तो बहुत ही मिनिएचर इमेज शो कर रहे हैं, और आप इधर मेंशन किया हुआ देख रहे हैं कि ये स्मॉल स्केल है। यू आर एक्चुअली स्क्वीजिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर। 1 centimeter में 940 kilometer आपने बिल्कुल स्क्वीज कर दिए, तो इसका मतलब है चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी और डिटेल कम होगी, लेकिन एरिया कवरेज यानी आपका जो व्यू है वो बड़ा ब्रॉड होगा कि आपको पूरा USA यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल, ये भी स्मॉल स्केल कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज स्केल हो गया, कि वहाँ पे 940 kilometer 1 centimeter में देख रहे थे आप, यहाँ पे 370 kilometer आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इनलार्ज हो गया। लेकिन इधर आप देख रहे हैं 160 kilometer, ये लार्ज स्केल हो गया। फिर फर्दर आए तो स्केल आप यहाँ पे देखते जा रहे हैं एनलार्ज होता जा रहा है। इमेज इज एक्चुअली जूमिंग इन, जितना आप जूम इन करेंगे आपका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो कम होता जाएगा,
लेकिन जो डिटेल है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लार्ज स्केल मैप से आपने जहन में रखना है कि उसमें चीज़ें एनलार्ज होकर नज़र आएंगी, बड़ी होकर नज़र आएंगी, छोटा सा एरिया भी ज़्यादा डिटेल से नज़र आएगा। सो अब हम अकॉर्डिंग टू स्केल कैटेगरीज अगर देखें, लार्ज स्केल कैटेगरी में दो आते हैं और दो स्मॉल स्केल कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पे जो लार्ज स्केल मैप्स हैं उसमें एक कैडेस्ट्रल मैप है, और कैडेस्टर का वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है विच इज एक्चुअली द कैडेस्टर। ठीक है जी, वर्ड है कैडेस्टर एंड इट इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर द रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि पटवारियों के पास, लैंड रिकॉर्ड वालों के पास मैप्स होते हैं बिल्डिंगों के, घरों के, जिसमें उसकी मगरबी, शिमाली, मशरकी साइड के ऊपर मौजूद गलियां वगैरह भी दिखाई गई होती हैं डिटेल के साथ। सो इसको हम बेसिकली कैडेस्टर कहते हैं, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाले रजिस्टर को कैडेस्टर कहा जाता है। और कैडेस्ट्रल मैप्स इसी कॉन्टेक्स्ट में लिए जाएंगे कि दीज आर लार्ज स्केल मैप्स शोइंग द प्रॉपर्टीज, और इसमें आप यही देखेंगे कि एक फुट में कुछ, एक इंच में कुछ फीट दिखाए जा रहे होंगे। इंच का जो सिंबल होता है वो हमेशा डबल डैशेस के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं अगर ये स्टेटमेंट लिख दूँ कि 1 inch इज इक्वल टू 10 feet, इसका मतलब होगा कि नक्शे के ऊपर 1 inch फासला है और वो ज़मीन के 10 feet दिखा रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। टोपोग्राफिकल मैप्स में ये होगा कि इसमें सिटी जो है वो डिटेल तक आ जाता है, और इसमें अगर आप रेशोस को देखें या डिस्टेंसेस को देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि जैसे 1 inch इज इक्वल टू 1 mile। ठीक है जी, कि 1 mile फासला जो है वो दिखाया जा रहा है 1 inch जमीन नक्शे के ऊपर। तो नक्शे के ऊपर आपका 1 inch का डिस्टेंस जो है वो 1 mile को अगर शो कर रहा है, तो आप बिल्डिंग्स वगैरह, आपको पता है कि 1 mile में बहुत सारी होंगी, और वो अगर 1 inch में दिखाई जाए तो सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ही जो है वो डॉट्स के सूरत में दिखाई जा सकेंगी। डिटेल कम हो जाएगी लेकिन एरिया जो है वो सिटी लेवल तक जो है उस नक्शे पे दिखाया जा सकेगा। वॉल मैप्स में आमतौर पे जैसे क्लासरूम्स में लगे होते हैं, बड़े मैप्स लगे होते हैं, उसमें आपको ये नज़र आएगा जैसे कि 1 inch इज इक्वल टू से 50 miles। सो इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि जी जैसे अब लाहौर और गुजरांवाला जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इनका दरमियानी फासला इस नक्शे के ऊपर जिसके ऊपर आप 1 inch 50 miles शो कर रहे हैं, तो तकरीबन 1 inch होगा आपस में। इसका मतलब है कि लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान में आने वाले जो छोटे शहर होंगे वो भी डॉट्स की सूरत में हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि पाकिस्तान का मैप एक बड़े चार्ट पेपर पे बना हो या पंजाब का मैप एक बड़े चार्ट पेपर पे बना हो तो थोड़ा सा डिटेल लेवल बेहतर होगा, लेकिन वो टोपोग्राफिकल मैप जितनी डिटेल नहीं दे पा रहा होगा, उससे 50 गुना वो छोटा करके दिखा रहा है चीज़ों को। कि वहाँ पे 1 inch में 1 mile दिखाया जा रहा था, यहाँ पे 1 inch में 50 mile ज़मीन के दिखाए जा रहे हैं। जबकि एटलस मैप्स में जैसे आप देखते हैं आपकी डायरीज के ऊपर मैप्स बने होते हैं, अब पूरा वर्ल्ड मैप अगर उस पर बना है तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई 300 mile का फासला जो है वो 1 inch के अंदर दिखाया जा रहा हो। यानी अब पेज छोटा हो गया, कागज़ छोटा हो गया, मैप आपने उसके ऊपर ड्रॉ किया पाकिस्तान का, लेकिन चूँकि वो इमेज ही छोटे साइज़ का था तो उसने पाकिस्तान की बहुत सारी डिटेल्स को उसके अंदर स्क्वीज कर दिया और बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर से मिस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ मैप्स का अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। यहाँ एग्जांपल देख लें, अब ये कैडेस्ट्रल मैप की एग्जांपल है आपके सामने है। इसमें एक घर का नक्शा दिया गया है कि बरामदा है, बेडरूम, बाथरूम है, मास्टर बेड है, उसके अंदर आपको ये कमरे के दरवाज़ों की डायमेंशंस भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ये वैसे इसका एक इमेज लिया गया है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे स्केल भी गिवन होगा कि ये टोटल लेंथ इस दीवार की कितनी बन रही है, यहाँ पे बेडरूम की डायमेंशंस कितनी कितनी है। ठीक है, जैसे कि ये अगर 55 feet इसने मेंशन किया है तो हम इस लाइन को इंचज में मेयर करके स्केल निकाल सकते हैं कि 1 inch में ये कितने फीट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कैडेस्ट्रल मैप की कैटेगरी है, मतलब कि आपको ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है लेकिन सिर्फ एक घर तक का इलाका जो है वो आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कैडेस्ट्रल मैप की ये भी टाइप देख लें,
इसमें आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, घर प्लॉटिंग नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिटेल ज़्यादा है. इट इज़ नॉट अ सिटी, इट इज़ अ कम्युनिटी एंड इट इज़ शोइंग ग्रेटर डिटेल. आप कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि 1 इंच जो है वो 10-20 यार्ड्स को शो कर रहा हूँ, यानी कि 10 गज का मतलब 30 फुट 1 इंच में दिखाए जा रहे हैं, या इससे रिलेटेड इसका स्केल होगा. फिर के बाद ये देखें टोपोग्राफिकल मैप है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अब बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ये डॉट्स की सूरत में ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही हैं, और एक लार्जर एरिया जो है वो व्यू में आ गया. इट कुड बी 1 इंच इज इक्वल टू 1/2 माइल और 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल. इसकी स्टेटमेंट हो सकती है कि जिसमें 1 इंच फासला, जो नक्शे पे फासला है उसमें 1 मील ज़मीनी फासला जो है वो स्क्वीज करके दिखाया गया है. सो टोपोग्राफिकल मैप्स भी हमारे एक डिटेल टॉपिक है, यानी इन्हीं में से हमारे पास जो 3 टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे, एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का क्वेश्चन, एक होगा टोपोग्राफिकल मैप्स का क्वेश्चन, और एक वेदर मैप्स है जो आपको डिटेल से करवाए जाएंगे, और आप पास्ट पेपर्स में देख सकते हैं कि उस पर क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं. सो ये टोपोग्राफिकल मैप भी लार्ज स्केल कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें भी रिलेटिवली कम ज़मीनी फासला जो है वो कागज़ के ऊपर जो इंच यूज़ हो रहा था या सेंटीमीटर यूज़ हो रहा था, उसमें कम ज़मीनी फासले को एडजस्ट किया गया. यहाँ पे अब आप देख रहे हैं एक वॉल मैप, और इधर आपको ये जो मैप नज़र आ रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू पर्पज़ हम इसकी बात करें तो ये एटलस ऑफ फेथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन शो कर रहा है कि किस रिलीजन के फॉलोअर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कि जैसे ये येलो कलर रोमन कैथलिक्स को शो कर रहा है, तो एक नज़र में आपको पता लग रहा है कि किस कंट्री के किस पार्ट में रोमन कैथलिक्स ज़्यादा हैं. इसी तरह से आपको यहाँ पे मुस्लिम्स में ये डार्क ब्लू और लाइट ब्लू नज़र आ रहा है. लाइट ब्लू जो है वो सुन्नीज हैं, और जो डार्क ब्लू हैं वो शियाइट्स हैं. जैसे यहाँ पे इराक पे थोड़ा सा शेड नज़र आ रहा है, ईरान पे नज़र आ रहा है, और बाकी ये जितना भी अफ्रीका है ये सारा सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं. फिर आपको पिंक कलर में हिंदुइज्म नज़र आ रहा है, और फिर यहीं पे आपको एक सिक्स का शेड नज़र आ रहा है. तो सिंबल्स जो हैं वो बहुत क्लैरिटी ले आते हैं मैप में, कि ये एक मैप जो है अगर आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज या रीजन वाइज इसको स्टडी करना शुरू करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस डिवीजंस एंड फेथ्स, तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा जा सकता है. लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो इंफॉर्मेशन बड़ी कन्फाइंड जगह के ऊपर कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ दी जा रही है. बट अगेन, अब डिस्टेंसेस की बात की जाए तो आप देखें पाकिस्तान यहाँ पे कितना छोटा नज़र आ रहा है, कि 1 सेंटीमीटर में हो सकता है कि यहाँ पे कोई 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर का फासला दिखाया जा रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे डिटेल्स का लेवल कम हो चुका हुआ है, ठीक है. इधर आप एटलस मैप की एक और टाइप देख रहे हैं, ये सॉयल मैप है वर्ल्ड का. इसमें आप देख रहे हैं इतने से फासले में 1,000 किलोमीटर को स्क्वीज कर दिया गया. तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ टू साउथ पाकिस्तान की जो एक्सटेंट है वो तकरीबन 1,300-1,400 किलोमीटर बनती है, और उसके मुताबिक यहाँ पे मतलब 24 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक आपके पास 13 डिग्री का लैटिट्यूड्स का आता है, और उसके मुताबिक हर डिग्री के साथ 109 किलोमीटर्स का जो है ये 111 किलोमीटर्स का फासला एसोसिएटेड होता है. तो ये 1400-1500 स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1,000 किलोमीटर नज़र आ रहा है. सो इधर आपको सॉइल टाइप्स नज़र आ रही हैं, वही बात है, सिंबल्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ये इंडेक्स है जो कि मीनिंग ऑफ द कलर शो कर रही है कि किस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है जी. लेकिन एटलस मैप में आप देख रहे हैं कि थिंग्स आर वेरी मच स्क्वीज्ड इनटू वेरी स्मॉल स्पेस ऑन द पेपर, और यहाँ पे आके जो है ये हमारे अकॉर्डिंग टू स्केल जो टाइप्स ऑफ मैप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. अब इसमें आप देखें कि बाजवा की किताब से आप पढ़ेंगे तो एक एक पैराग्राफ आपको मिलेगा जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कौन सा ग्राउंड डिस्टेंस किस कैटेगरी में कितना एडजस्ट किया जा रहा है इन द मैप डिस्टेंस इन इंचेस और सेंटीमीटर्स, ठीक है जी. ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 4 पैराग्राफ्स के ऊपर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होता है विद डेफिनेशन ऑफ मैप एंड 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्केल. यहाँ से आगे आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू पर्पस. अब पर्पस बेस्ड का मतलब ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे. अभी प्रीवियसली हमने देखा, हमने सॉयल मैप्स ऑफ पाकिस्तान भी देखे, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी मैप ऑफ चाइना भी देखा,
फिर हमने यहाँ पे अभी सॉइल का मैप दोबारा देखा, रिलीजन का मैप देखा, बट दीज वेरिएबल्स, दीज इंफॉर्मेशन बिलोंग टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन थी या सोशल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन थी, जैसे पॉपुलेशन मैप ऑफ चाइना एंड रिलीजन्स का मैप जो है वो सोशल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैन मेड मैप की कैटेगरी में फॉल करेगा। फिजिकल मैप्स में जैसे आप कहें कि रिलीफ मैप है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें माउंटेन्स और प्लेन्स और फिजिकल फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, वो फिजिकल मैप्स की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल मैप्स की, दे विल रिक्वायर सिंपल वन लाइनर कि एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स क्या होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स को दिखाते हैं, सोलर सिस्टम का मैप है, सॉयल मैप्स क्या है अभी आपने ऑब्जर्व किया, रिलीफ मैप्स हैं, वेजिटेशन मैप्स हैं, ओशंस के मैप्स हैं, वेदर मैप्स हैं, वेदर कंडीशंस को शो कर रहे हो, क्लाइमेटिक मैप्स हैं। सो दैट वुड बी अ लॉन्गर लिस्ट, but it will require only a single line reference. The map that shows the climate types of the world is a climatic map. ठीक है जी, so it will not require more extensive writing. ये सिर्फ ये होगा कि अगर आपने ये 10 भी लिखे हैं तो आपने 10 लाइनों में जवाब दिए, आपने सिर्फ एक सिंगल लाइन रेफरेंस देना है विद एग्जाम्पल। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सामने ये मैप की टाइप है, फिजिकल मैप की सब कैटेगरी, रिलीफ मैप USA का मैप है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एपलेशन माउंटेन्स नजर आ रही हैं, इधर आपको रॉकीज का पूरा सिलसिला नजर आ रहा है, सियरा नेवाडा नजर आ रहा है, ग्रेट प्लेन्स और उसके रिवर्स नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये ग्रेट लेक्स भी नजर आ रही हैं, और ये रिलीफ को शो कर रहा है। रिलीफ मैप्स वो होते हैं जो कि फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सो इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द फिजिकल मैप्स कैटेगरी, अगर प्राइमरी कैटेगरी को देखा जाए अकॉर्डिंग टू पर्पस। यहाँ पे आपको यूरोप का एक मैप नजर आ रहा है, ये वेदर मैप है। ठीक है, इट इज शोइंग द वेदर कंडीशंस ऑफ यूरोप, इसमें ये कैपिटल एल बी सिंबल है, लो प्रेशर को शो कर रहा है, कैपिटल एच ब्लू कलर से हाई प्रेशर को शो कर रहा है, ये जो आपको डॉट्स और एरोज नजर आ रही हैं ये विंड डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ये कोल्ड फ्रंट को शो कर रही है, ये लाइन जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है ये वार्म फ्रंट को शो कर रही है कि वार्म एयर इज एक्चुअली इन्वेडिंग इनटू कोल्ड एयर, बट इट इज शोन थ्रू सिंबल्स। ठीक है जी, तो ये वेदर मैप की एग्जांपल है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंबल्स वगैरह जो है वो वेदर मैप का जब चैप्टर आएगा उसमें जरूर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर वेदर मैप्स, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे शो एंड हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज शोन, तब आपको सिंबल्स बनाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यहाँ तक ये जो टाइप्स ऑफ मैप्स का चैप्टर है इसके लिए आपको ड्राइंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एग्जांपल्स ऑफ सोशल मैप्स सेकंड कैटेगरी थी, जैसे कि पॉपुलेशन मैप्स, जैसे हमने चाइना का डेंसिटी और पॉपुलेशन का मैप देखा, इंडस्ट्री ह्यूमन एक्टिविटी है, लैंग्वेजेस ह्यूमन एक्टिविटी और सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, रिलीजन्स का मैप आप देख सकते हैं, देख चुके हैं, एग्रीकल्चर मैप्स हैं जहाँ पे अब वेजिटेशन जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट से बिलोंग करती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर मैप है वो बेसिकली ह्यूमन या कल्चरल एक्टिविटी, सो एग्रीकल्चर विल बी फॉलोइंग इन द एग्जांपल्स ऑफ सोशल मैप्स। हिस्टोरिकल मैप्स, कोई भी पॉलिटिकल मैप 20 साल 50 साल पुराना होगा वो एक तरह का हिस्टोरिकल मैप ही होगा, कि अगर आप ब्रिटिश इंडिया का मैप देख रहे हैं या 1962 का पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं तो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दिखाए गए होंगे, तो विल हैव हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल मैप्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई गई होती हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैप जो है ये मेजर क्रॉप्स को शो कर रहा है, अब आपको कलर्स के साथ उसकी इंडेक्स में नज़र आ रहा है कि किस कलर का क्या मतलब है और कौन सी जो क्रॉप है, जैसे राइस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब आप बी पेपर पे आएंगे तो इस तरह के मैप्स ही आपको काफ़ी हद तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप इन मैप्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें तो फिर आपको पूरा पूरा एक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर मतलब पेपर बी के चैप्टर्स हैं, जैसे क्रॉप्स का चैप्टर है, वीट का चैप्टर, पाकिस्तान का एक क्रॉप्स का मैप देखेंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, सो यू विल नॉट रिक्वायर द रीडिंग ऑफ द बुक कि आपको वो पूरा चैप्टर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ है एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आपने मेंशन करने होते हैं, किस जगह पे कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड ओवर जो राइस की डिस्ट्रीब्यूशन है, वीट की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइस का जो मेजर एरिया है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है,
ठीक है, दो कि ये मैप कंप्लीट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर मैप्स और भी मिल जाते हैं जिसमें सारी क्रॉप्स दिखाई गई हो। यहाँ पे आपके सामने ये लैंग्वेज मैप है, वो भी इज अ मेजर कैटेगरी वाइज, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्पेनिश, कहाँ पे सेकंड लैंग्वेज का ये मैप है वैसे। ठीक है, तो इस हवाले से ये लैंग्वेजेस को शो कर रहा है। लैंग्वेजेस भी जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, सोशल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये सोशल मैप्स में आएगा। फिर आ गया यहाँ पे आपके सामने पॉलिटिकल मैप, टाइटल से नज़र आ रहा है द वर्ल्ड मैप, ठीक है, पूरी वर्ल्ड को कवर कर रहा है एरिया आ गया, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप। इंफॉर्मेशन जो शो हो रही है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज और स्टेट्स यूज शो की जा रही हैं, और इसके अंदर आपको जो सिटीज और कैपिटल्स होंगे वो उसमें डिटेल के साथ दिखाए गए होंगे। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर क्लोज हो गया। ये था टाइप्स टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है, मैप्स एंड देयर टाइप्स। उसमें थोड़ा सा प्रिलिमिनरी जो काम था वो ये था कि मैप्स के कंपोनेंट्स को हमने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लिया, और उससे पहले हमने फोटोग्राफ, डायग्राम और मैप को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि मैप एक्चुअली हम कहते हैं किसको है। ठीक है, तो ये एसेंशियल्स हैं, और उस एसेंशियल्स में ये जो की रेफरेंस इंडेक्स और सिंबल्स जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल रीडर के लिए इसलिए होती है कि इसके बगैर मैप की अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, सो इट एक्चुअली गिव्स यू द क्लू अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप। जी कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख दें। कोई एम्बिग्विटी रह गई है? ओके जी, स्लाइड्स जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये यूट्यूब के ऊपर जो है लेक्चर जो है ये अभी अपलोड हो जाएगा। जो लोग थोड़ा सा लेट आए वो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। होपफुली कल हम फिर मैप का एक टॉपिक करेंगे, एंड दैट विल बी ऑफ से एरियल फोटोग्राफ्स एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह कल हम लोग कर लेंगे।